शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कौन टपक गया? तुम्हें क्या थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? हाँ, दरवाजा खटका के अंदर नहीं आ सकती थी? बेकार का डरा दिया मुझे। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन वो श्रद्धा जी अभय जी को अपने साथ घर लेकर जा रही है। क्या? हाँ, और कह रही थी कि आपको भी साथ ले जाएंगी। मैं क्या कठपुतली हूँ कि जिसका मन करेगा इधर उधर ले जाएंगे? मैं नहीं जाने वाली। माँ जी, अगर आप नहीं जाएंगी तो हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि हम अपने पति को नहीं छोड़ पाएंगे। क्या बोला तुमने? माँ जी, अब तो अभय जी ही हमारी जिंदगी है। जहाँ वो जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे ना। और ये घर भी कोई घर थोड़ी ना है। कहाँ ये किराए का मकान और कहाँ वो त्रिपाठी निवास, हमारा असली ससुराल। लेकिन माँ जी, आप यहाँ पे रह सकती है, आप यहाँ अकेले राज करना और हम अपने ससुराल में। मैंने ही मेरे बेटे से कहा था तुम्हारी मांग भरने के लिए, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे आगे इतना बोल रही हो? अपनी औकात में रहो वरना। ये औकात पाने के लिए ही तो अब तक तुझे झेलती आई हूँ बुढ़िया, पर अब नहीं सहूंगी। चलिए माँ जी, हम अभी इसी वक्त त्रिपाठी निवास जा रहे हैं। नहीं, ये मेरा और मेरे बेटे का घर है। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपका ख्याल रखने के लिए और भी लोगों की जरूरत होगी। यहाँ पर अभय आपका अकेले कैसे इतना ख्याल रखेंगे? तो अभी के अभी आप त्रिपाठी निवास जाएं और वहाँ हम सब मिलके आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमें यहाँ से ले जाने के लिए घर के सभी लोग आए हैं। चलिए, ये क्या जबरदस्ती है? ये हुई ना बात, आखिर हमारी बात हम लेने आ ही गए। अरे गौरी, अब तो तेरे सारे सपने पूरे होने लगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा अपना बेटा अपने पूरे होशो हवास में इस तरह की हरकत भी कर सकता है। भैया, आपने एक बार भी श्रद्धा भाभी के बारे में नहीं सोचा ना, आखिर उन पर क्या बीतेगी? अरे हम जानते हैं, उस देवयानी ने ही इसे मजबूर किया होगा। मजबूरी में इसका दिमाग खास चलने जाता है क्या? पहले घर छोड़ दिया, फिर बीवी छोड़ दी। चुपचाप घर चलो, वहां चल के तुम्हारा दिमाग ठीक करते हैं। देवयानी जी, आप हमारे घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। चले माँ जी। अभी तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलने लगा था कि फिर से पूरा प्लान उल्टा दिया इस श्रद्धा ने। चलिए। अरे चलिए माँ जी, एक तरफ से हमने पकड़ा है और दूसरी तरफ से भाभी ने। अगर अब तुम्हें चक्कर आ भी गए ना तो कसके सहारा मिलेगा। वैसे घर चलो देवयानी, वहां भी बहुत सहारा मिल जाएगा तुम्हें। चलो। रुक जाओ गौरी, तुमसे किसने कहा कि तुम हमारे साथ चलोगी? तुम तो वैसे भी शादी को नहीं मानती ना, तो फिर तुम क्यों आओगी हमारे साथ? तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम इस पूरे घर में अब आराम से हो, अब ये पूरा घर सिर्फ तुम्हारा है। इस घर से सिर्फ अभय और माँ जी हमारे साथ जाएंगे, तुम नहीं।
चलो। हमें अभय जी से दूर नहीं कर सकती श्रद्धा, अभी तो तू उन्हें लेके चली गई है, लेकिन ये जीत नहीं है तेरी। अब तो अभय जी खुद हमें यहाँ से ले जाएंगे और ये हमारा वादा है तुझसे। वादा किया था खुद से कि अभय को इस घर में वापस नहीं आने दूंगी, पर इस श्रद्धा ने सब बिगाड़ दिया। बेटा तुम तो हमारे साथ चलो। अरे तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हें याद भी है तुम कब ढंग से खाना खाए थे? हाँ कितने कमजोर हो गए हो, खुद पे ध्यान देना ही बंद कर दियो। चलो तुम्हें जो भी मन कर रहा है हम तुम्हारे बनाएंगे, तुम खा ले। बेटे ने घर में कदम रखा नहीं कि भाभी उसके मुंह में पग ला गए। देखा ना आपने, भैया के आते साथ मम्मी मुझे क्या, हम सबको भूल गए। नहीं क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें कितना सहन करना पड़ा श्रद्धा बेटा, इतना कष्ट, सबकी नाराजगी, यहाँ तक कि हमारे बेटे की बेवकूफी, फिर भी तुमने हमारे परिवार को जोड़ने का वादा पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवार का हर एक इंसान तुम्हारी अच्छाई की कदर करेगा। खुश रहो बेटा। भाभी आप ना दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो, आखिर आप मेरे भैया को इस घर में वापस लेकर आई गई ना। थैंक यू सो मच। आज जो तुमने किया हमारे मन, हमेशा खुश रहो श्रद्धा। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।